ये लोग इतना कह रहे हैं कि अगर इनकी फिर से सत्ता आएगी तो संविधान को बदल डालेंगे। संविधान आपको वोट का अधिकार देता है, संविधान आपको आरक्षण देता है, संविधान आपको आंदोलन करने का अधिकार देता है, संविधान आपको सवाल उठाने का अधिकार देता है, संविधान इस देश की जनता को सर्वोपरि रखता है। इसको कमजोर करने की बात क्यों उठ रही है? क्योंकि ये चाहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो। इसीलिए इस चुनाव में आपका वोट सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, सिर्फ अपने गांव के विकास के लिए नहीं, लेकिन इस देश को बचाने का वोट है, इस देश में लोकतंत्र को फिर से पूरी तरह से स्थापित करने का वोट है। इसीलिए समझ लीजिए कि 20 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे, तीसरे नंबर पे भैया का बटन है, तीसरे नंबर पे बटन दबाएंगे, तब आप सबसे पहले एक ऐसे सांसद को चुनेंगे जो हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़ेगा, जो कभी पीछे नहीं हटेगा। उसको घर से निकाला, संसद से निकाला, प्रताड़ित किया, परिवार के सारे सदस्यों को उल्टा सीधा बोला, इंदिरा गांधी जैसी महान हस्ती जो शहीद हुए इस देश के लिए उनको देशद्रोही बोला प्रधानमंत्री जी ने, मेरे पिताजी राजीव गांधी जी को देशद्रोही बोला प्रधानमंत्री जी ने, गलत गलत बातें की कि उन्होंने कानून बदल दिया इंदिरा जी से विरासत लेने के लिए। वो कुछ समझ नहीं पाए मेरे परिवार के बारे में। हमें विरासत में धन दौलत नहीं मिली, हमें विरासत में इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला है। हमारे एक परिवार के सदस्य को मारोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए, दूसरे को मारोगे तीसरा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए, तीसरे को मारोगे चौथा खड़ा हो जाएगा इस देश के लिए। हम झुकने वाले नहीं है। हम अंग्रेजी साम्राज्य के सामने झुके नहीं, ये क्या है, इनके सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। हम इस देश के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम में दम है, जब तक हम में सांस है, तब तक हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपको इस गरीबी के खाई से निकालने के लिए लड़ते रहेंगे, आपको आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए लड़ते रहेंगे, और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। इसीलिए हम आपसे पूछते हैं और आपसे यही मांगते हैं कि आप जागरूक बने, आपकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति, आप अपना वोट विवेक से दें, आपके अपने पक्ष में जाए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए जाए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए जाए।